हेलो शेखर जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे? आप माइक क्यों उखाड़ा आपने? बस सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ उखड़ जाए, हैंडपम्प तो ना से ये सही। हेलो मिस बेगेंजा। आहा। मतलब ईमानदारी से ना, हमने कोशिश करी थी कि मैंने बहुत सारे स्कूल ट्राई करे कि कभी ऐसे टीचर मिले, पर कहीं नहीं मिली। क्या बोल रहे हो तुम राजा? यही बोल रहा हूँ मैं। I like your style. मैम लिटरली मतलब नॉस्टैल्जिया मेरे लिए, पर बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू राजा, थैंक यू। मैं शेखर जी, मैं हूँ दिल्ली से जी। और दिल्ली में बता रहा हूँ आपको, ये बहुत लोग बोलते हैं कि दिल्ली के बेकार लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बता रहा हूँ बहुत प्यारे और बहुत कैजुअल लोग होते हैं। ऑफ कोर्स। आप ये मानिए, अभी कोविड चल रहा था और मैं थोड़े दिनों पहले भी मॉल में गया था, तो वहाँ पे गार्ड के पास ना टेम्परेचर चेक करने की मशीन होती है, उसके पास नहीं थी, तो उसने चार उंगली मेरे माथे पे लगाई और कह रहा जाओ। इतने कैजुअल लोग हैं हम लोग, इतने कैजुअल आराम से। पर आप में से कोई है मिडिल क्लास? सभी सभी शेखर जी, हर कोई मान लेता है। पर मैं लिटरली बताऊं, मैं आज एक छोटा सा टेस्ट लेके आया हूं, लिटमस टेस्ट कहते हैं उसको। मैं तीन चीजें पूछूंगा आपसे और अगर आपका हाथ उठ जाए, ताली बज जाए, तो मैं समझ जाऊंगा आप हैं। अच्छा, तो शुरू करूं? हां बिल्कुल। पहला, अगर आप अभी अपने घर में जाएं और फ्रिज खोलें और उसके ऊपर के हिस्से में कटा हुआ नींबू रखा है, तो आप हैं बिल्कुल। उसमें से भी कुछ प्रॉपर मिडिल क्लास होते हैं जो उस कटे हुए नींबू की भी ना दो बूंद ड्रॉप करके उसे वापस फ्रिज में रख देते हैं। हाँ, वो भी है। कि मैं इसको फ्यूचर में यूज करूंगा, तो आप पक्के हैं। और उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो इसके बाद इस कटे हुए नींबू को भी ना बर्तनों पर रगड़ के, मुंह पर रगड़ने के बाद फेंकते हैं। मतलब नींबू भी कहता है भाई साहब मेरा इस्तेमाल नहीं, मतलब मेरा शोषण हो रहा है। मतलब नींबू भी खुद बोल देता है कि मतलब अगले जन्म मुझे अंबानी घर कीजो। दूसरा, कहीं आप कहीं बाहर एक पानी की बोतल खरीदें और उसको पीने के बाद कूड़ेदान में फेंकने से पहले आपके अंदर से एक आवाज आए कि इसको घर ले चलते हैं, तो आप हैं। और तीसरा, जो कि मतलब पक्का करेगा कि आप हो या नहीं हो, कि अगर आप अपने घर में बोलो कि कुत्ता पालना है और सामने से रिएक्शन आए तुम्हें पाल तो रखा है, तो आप हैं। है। अर्चना जी, दिल से बता रहा हूँ, मैं बहुत शरारती बच्चा रहा हूँ बचपन से। इतना शरारती कि मैं कभी होमवर्क करके जाते नहीं था, तो टीचर हर बार मेरी नोटबुक में ना ऐसे क्वेश्चन मार्क बना के भेजती थी घर पे, तो मैं घर जाने से पहले उसको रेड पेन से प्रॉपर दिल बना देता था। मम्मी कहती थी ये क्या है, मैंने कहा आजकल ये एक्सलेंट से ऊपर वाले बच्चों को दिया जाता है। अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट दिन टीचर देखती थी, अरे ये दिल क्यों है, तो वो पूरे पेज को ऐसे काट देती थी। तो मैं घर जाने से पहले उसके आगे एक एरो और नीचे तीन डंडियां बना देता था। मम्मी कहती ये क्या है, मैं कहा वो टीचर पागल है मेरे प्यार में। मैं बता दूं कि इंडियन मॉम की खासियत होती है, बता दूं बड़े कि हमारे पेरेंट्स ना पिटाई नहीं करते, हमारी सुताई करते हैं। पिटाई और सुताई में फर्क क्या है शेखर जी? फर्क ये होता है, सुताई में क्या होता है कि माँ बाप बेड पे बेहोश पड़े होते हैं मारने के बाद हमें, और हम जमीन पे। मतलब सुताई हुई है। और मैं बता दूं आपको, इंडियन मॉम पूरे ब्रह्मांड में ऐसी लौती माताएं हैं जो बच्चे को पीटने के साथ साथ फीडबैक मांगती हैं। लगा मजा आ रहा है, दर्द हो रहा है, और आपको फीडबैक देना पड़ता है, हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि जब तक मम्मियों को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना जॉब में, तब तक मजा नहीं आता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतनी पिटाई खा चुका हूँ अर्चना जी, कि मैं पीएचडी कर चुका हूँ पिटाई पे। अच्छा। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना ऑडियंस, मैं आपको आज ज्ञान दे रहा हूँ कि कभी भी पढ़ाई करना ना जिंदगी में, तो बेड पे बैठ के मत पढ़ना, चेयर टेबल लेके बैठो, बहुत बढ़िया है। क्योंकि होता क्या ना मैम, कि देखो चेयर कुर्सी पर पढ़ रहे हो, आपने गलती करी, मम्मी ने थप्पड़ मारा, लग जाएगा मैक्सिमम एक, या आप ऐसा कर जाओगे तो छिप जाएगा, बच जाएगा, पर बेड पे स्कोप नहीं होता। बेड पे मम्मी आपके ऊपर आ रही है, सुता सुता के मारती है। अब उनका मंगलसूत्र ऐसा लटकता हुआ दिख रहा है आपको। मेरी मम्मी के हाथ थोड़े शकरकंदी जैसे हैं। अच्छा। फिर जब वो ऊपर से कूदती है ना, तो नीचे अगर ट्रिपल एच है तो तीनों एच 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 अलग कर दे मेरी बात। बहुत अच्छे। आप ये मानिए, प्यारे बच्चे बहुत रहे हैं, इसके बाद मैं बताऊं आपको क्या प्रॉब्लम होती है, कि हम जब माँ के साथ इतना रहते हैं ना, अर्चना जी जब शादी के लिए लड़की ढूंढते हो ना, तो आपको वो ट्रेड चाहिए होते हैं अपनी माँ के। हाँ।
उस लड़की के अंदर. अब इतना हो गया कि मैं मानो कि मैं एक लड़की से शादी के लिए मिला एक रेस्टोरेंट में, तो मैं उसके सामने खाना खा रहा था, तो मुझे वो सब्जी पसंद नहीं आई, तो मैंने वो सब्जी छोड़ दी. अच्छा. पर ये बात उस लड़की को समझ नहीं आई, कहती रजत चुपचाप पूरा खाओ. अच्छा. मैंने कहा मम्मी आप आप ये मानो वो प्लेट मैं सिंक में रख के आया हूँ रेस्टोरेंट की. मैंने कहा कि इसके लिए ताले ना मिले कि सिंक में रख के नहीं आया ये प्लेट. एक बताऊँ, हमारी मम्मियों को ना लड़कों से जिंदगी में सिर्फ दो काम पड़ते हैं, एक जाके ये बच्चा दूध ले आए. मम्मी मैं शिमला जा रहा हूँ तो बेटा लौटते हुए ले आना. दूसरा, किसी भी रिलेटिव को मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, शमशान घाट से लेकर आना. मतलब हमारा यही काम है. वो कहते हैं ना कि यूथ कहाँ जा रहा है आजकल, आजकल सब स्कूटी में बैठा हुआ है. रिलेटिव को लेने गया हुआ जिंदगी में, वरना कोई वैल्यू नहीं है हमारे. और पता अर्जुन जी, रिलेटिव को भी तारीफ नहीं करते. रिलेटिव का ही होता है, बहन जी आपका बेटा कितनी तेज चलाता है स्कूटर. इसने स्पीड ब्रेकर पता इतना उछाल दिया था कि मेरी कबूतर से चुम्मी होते बची. बहुत अच्छे. और लटरी बता रहा हूं, अगर सच में आपको अपने घर में अपनी माँ को लूप पे सुनना है, लूप पे सुनना है, पे सुनना है, तो बस घर में एक बार चिल्ला के बोल दो बुआ जी अच्छी है. बहुत अच्छे. बुआ जी अच्छी है. और फिर बोलो खाना उसी और से जाके ले ले. मैं तो नहीं दे रही तो जिंदगी में. आप ये मानिए, मैं इतनी लड़कियों से मिल चुका हूँ ना, तो मुझे वो क्वालिटी माँ वाली चीज़ है. आप ये मानो, जैसे अशेखर जी आपसे बोल लेता हूँ, वैसे मैं अभी आप काफी यंग हो, आपकी शादी होनी बाकी है मुझे पता है अभी. तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्या चीज़ आपकी लड़की में क्वालिटी, अगर आपकी दोबारा शादी हो आज? खाना अच्छा बनाए. बहुत बढ़िया. और किसी का कुछ? सर अरुण जी, लड़की मिल जाए बस. अच्छा जी, आप देख रहे हो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी बस. बताइए, इस लड़की को बैठ देंगे पीछे जो बता पाएगी क्या क्वालिटी चाहिए लड़कियों को. लड़कों को बड़ी एक्साइटमेंट है. या प्लीज आप बताना चाहते हो? प्लीज. टॉल, हैंडसम, ओके. अर्चना जी आप देख रहे हो इन लड़कियों के पास एक लिस्ट है पूरी. हाँ, ये भी होना चाहिए. लविंग, केयरिंग, हैंडसम, लॉयल एंड प्लस 20 अदर क्वालिटीज. तो मैं उन सब लड़कियों को आज बता दूं कि एक ही पेड़ पे आम, शहतूत, चीकू, केले, संतरे, पपीते नहीं लगते. कुछ लोगों का फेवरेट प्लांट मनी प्लांट भी होता है. बहुत अच्छे, वाह. और मैं तुम्हें बताऊं, माँ के साथ रहते ना होता प्रॉब्लम क्या है ना कि पापा की मैं इतनी बात नहीं कर रहा, आप समझ रहे हो. बताऊं, फादर ने खुद रिस्पेक्ट खुद कमाई नहीं है. हमारे पापा ना कभी भी कैरेक्टर में आते हैं. शेखर जी आप कैसे पापा हैं, मतलब घर जाके बच्चों को हक करते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं. हमारे हक वाला सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी. हमारे होता है कि पापा हमेशा घर में आते ही कैरेक्टर में है. अच्छा अच्छा. कि कभी उनको पता कि अगर घर में हंस दिए तो बच्चे कहीं प्रॉपर्टी ना मांग ले. अर्चना जी, एक बार मुझे 1000 रुपये चाहिए शिमला जाने के लिए. पिकनिक पे गए थे हम स्कूल से, तो इसके लिए पहले घर का माहौल सेट करते हैं, पहले आइडल टेम्परेचर देखते हैं कि अब ये माहौल सही है पैसे मांगने के लिए. तो मैं गया एकदम से, पापा आए, पहले आराम से बैठे, मैंने उन्हें पानी दिया, चाय दी, खाना दिया, सब कुछ आराम से हुआ. कह रहे बेटा क्या चाहिए आपको? मैंने कहा वो पिकनिक ले जा रहे हैं हमें शिमला, 1000 रुपये चाहिए. कह रहे बेटा आपको लेते गए थे अब जब 2 साल के थे. मैंने कहा तब मैं बहुत छोटा था. कह रहे शिमला भी उतना ही है. पर मैं आपको बताऊं, पापा इतने बुरे नहीं होते नहीं है. जैसे बताऊं, धीरे धीरे आप समझ पाते हो दोनों के बीच में एक इक्वेशन होती है. जैसे शिखर जी बचपन में कहता था कि मम्मी कुछ पापा से बात करिए, जैसे रेंट कर रही है, कि ये क्या कर रहे हो तुमने जिंदगी में, ये वो. और पापा आराम से शेव कर रहे हैं. तब ना अंदर से फीलिंग आती थी कितना खराब आदमी है ये, मेरी मम्मी की बात नहीं सुनता. शेखर जी अब मेरी शादी हो चुकी है. अब मैं कहता हूँ मेरे पापा सही इंसान था. एक तो सच में बताऊँ कि हमारी अपब्रिंगिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी पेरेंटिंग की, मानते हो? सच्ची बताना शिखर जी, क्या आपके माँ बाप ने कभी आप लोगों को बोला है कि आप सुंदर दिखते हैं? नहीं. अर्चना जी, जब घर का मालिक ही खुद अथॉरिटी नहीं ले रहा तो समाज में कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? शेखर जी आप ये मानिए, मुझे ये बात 11th क्लास में आकर एक लड़की ने बताई, वो भी रिसेस के बाद. क्या? अच्छा, रिसेस. अरे रजत, तुम्हारे चेहरे पे डिंपल पड़ते हैं. मैंने कहा कहाँ? ये है हम लोग बच्चे यार लाइफ के अंदर. या दैट्स माय साइड, यू बीइंग अ लवली ऑडियंस, गिव अ ग्रेट अप्लॉज. आप भी बहुत ही बारी होने का.
बहुत अच्छे बहुत अच्छे यार। रजत तुमने जो ये नींबू की बात की कि भैया नींबू हम लोग आधा काट के, मुझे बताओ यहाँ पर कोई भी ऐसा है जिसने ये नहीं किया है? मैंने किया है ये। हम मैं तो हर रोज करता हूं। ये मिडिल क्लास नहीं है, हम हिंदुस्तानियों की खासियत है। आप कैसे हिंदुस्तानी हो अगर आपने कोई चीज वेस्ट कर दी? अगर आप इतने मिनरल वाटर की बॉटल लेते हैं तो मजाल है मैं उसमें इतना पानी छोड़ दूं? नहीं, अगर पानी खरीदा है तो पूरा पियूंगी और बॉटल या फिर आधी बॉटल घर पे ले जाऊंगी, बिकॉज वेस्टेज गोज अगेंस्ट। तो ये हम सब हिंदुस्तानियों की खासियत है और ये आपकी कॉमेडी की खासियत है कि आपने मिडिल क्लास के बारे में बोला, बट देयर इज नथिंग मिडिल अबाउट योर कॉमेडी, इट्स ऑल राइट अप देयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रजत, वेरी नाइस। दिल्ली वालों की बात, एक तो फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। ये बताओ कि दिल्ली और बम्बई में क्या खास फर्क तुम्हें महसूस होता है? सर देखिए, दोनों अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ट्रैवलिंग का बड़ा अलग तरीका है। हाँ। जैसे आप दिल्ली में आप जाओ ऐसे हाथ दो ऑटो वाले को, कोई रुकता नहीं है यहाँ पे। हाँ। मुंबई में आप अंगड़ाई भी ले लो तो चार तो ऑटो रुकी जाते हैं। हाँ। हाँ। वैसे दुनिया में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी अच्छी कोई बड़ी समस्या जो आपको लगता हो कि ये है असली समस्या? मुझे लगता है कि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ या कहीं भी रहता हूँ, मुझे लगता है कि आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग। पार्किंग आसान नहीं है सर। पार्किंग आजकल किसी कहते ना, आजकल लोग दूसरे के सक्सेस से इतने खुश नहीं होते या दुख नहीं होते जितना किसी को पार्किंग उसके घर के आगे मिल जाए। हाँ। उसको देख के बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब आजकल आपके घर में रिलेटिव आते हैं ना, तो आप इसलिए नहीं परेशान होते कि क्या बनाना है, इसलिए लगता है कि इसकी गाड़ी कहाँ लगवानी है। सही है। पार्किंग दिक्कत है। आप ये मान लो कि हमारे मोहल्ले में सिक्योरिटी के नाम पे एक सीसीटीवी और चार औरतें हैं, वो पूरे दिन देख रहे थे कि कब कोई गाड़ी हटाए और हम अपनी लगा दें। अच्छा ये मानो अब पेड पार्किंग आ चुकी है, पैसे दो पार्किंग कर लो, पर क्योंकि हमने एक बार गाड़ी खरीदी तो फिर हम और पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो अब ये मानो लोग क्या करते हैं, रोड पे कहीं पे भी देखते हैं, पहले चार गाड़ी देखते हैं और कहते हैं अगर उठानी होगी तो पहले इसकी भी उठाई गई। तो अपनी साइड में लगा देते हैं उसके कि चार ले जाएगा। और उससे बड़े होता है कि कई बार कहते हैं लोग अपने बच्चे बैठा देते हैं गाड़ी में, बच्चे परिवार बैठा देते हैं कि फिर कोई उठाएगा नहीं। मतलब देख रहे हो कि परिवार का इस्तेमाल पेपर वेट की तरह किया जा रहा है। एक और समस्या चल रही है आजकल, वैसे तो एक तो उम्र बहुत छुपाते हैं लोग, महिलाएं तो छुपाती हैं। अच्छा वो वेस्ट भी नहीं जाने देती, जितने साल वो छुपाती हैं उतने साल वो दूसरी महिला की उम्र में जोड़ देती हैं। ये उम्र को छुपाते हैं मेरे हिसाब से सर, एज छुपानी चाहिए। और सच्ची बताऊं, उम्र के कुछ पड़ाव है, अर्चना जी कभी गौर कीजिएगा, कुछ नंबर्स हैं हमारी एज के जिसपे ना हमें रुकने का बड़ा मन करता है। क्या? पहला है 16। सोलह आप 17 के 18 को 16 कहने का बड़ा आनंद आता है। फिर है 21, फिर है 25 और फिर आता है 29, जो कि आप रहते हो कम से कम 8-9 साल। बिल्कुल, आप 8-9 साल रहते हो आप, ताकि कोई पूछे ना कि आप 30 के नहीं हुए, नहीं वो 30 मेरे घर पे आया था बट मैं उस दिन अवेलेबल नहीं थी। फिर 39 पे रुक जाता है सर, उसके आगे हम बड़े नहीं, आप हमें से कोई भी नहीं बढ़ पा रहा उसके आगे, हम सब 30 के ही हैं। जरूरत भी नहीं। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।